नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा संस्कृत कक्षा 10th पार्ट 5 भारत महिमा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। पहला क्वेश्चन है, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। पुराण के रचनाकार जो है दोस्तों, महर्षि वेदव्यास हैं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा C नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? देव, भारत, विश्व, पाटलिपुत्र। किसकी महिमा गाई जाती है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, भारत की। हमारा आंसर हो जाएगा B नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, मतलब किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो दोस्तों आपको हम बता दें, भारत देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा भारत, B नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन गीत गाते हैं? देवता, दानव, मनुष्य, कोई नहीं। यहाँ पे हमारा सवाल है, कौन गीत गाते हैं? तो देवता लोग गीत गाते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? देवता, दानव, मनुष्य या जंतु? भारत की शोभा को जो है देवता लोग प्रशंसा करते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? वहाँ, पटना, यहाँ, सभी जगह। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा D नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? सागर, पर्वत, झरना या सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जगत का गौरव कौन है? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश? जगत का गौरव कौन है? तो भारत। हमारा आंसर हो जाएगा B नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद और श्लोक कहाँ से संकलित है? विष्णु पुराण से, पग पुराण से, भगवत पुराण से या 12 पुराण से? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद और श्लोक जो है आपका विष्णु पुराण से है। हमारा आंसर हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? कालिदास ने, नारद ने, अध्यक्ष ने, नारायण पंडित ने? भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो दोस्तों आपको बता दें, अध्यक्ष ने। हमारा आंसर हो जाएगा C नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हमारी भारतीय धरा कैसी है? हमारी भारतीय धरा कैसी है? हर भरी, ऊंची, नीची या विशाला? हमारी भारतीय धरा कैसी है? तो दोस्तों आपको बता दें, विशाल है। विशाला यानी हमारा आंसर हो जाएगा विशाल। अगला प्रश्न है, जगत का गौरव कैसा है? चौकोर, गोल, शोभनीय या समतल? तो दोस्तों आपको बता दें कि जगत का गौरव जो है शोभनीय है। हमारा आंसर हो जाएगा C नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? कलह, एकता, अनेकता, शोकरहित। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहम होता है करते हुए रहते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि हाँ, एकता है, एकता वहम से रहते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो दोस्तों, ये था बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा संस्कृत कक्षा 10th पार्ट 5 भारत महिमा से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।